आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत। मुख्यमंत्री भी नहीं मना पाए राहुल गांधी को, राहुल ने अध्यक्ष बने रहने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में बिजली के बुरे हाल, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में हुई बत्ती गुल। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर के खिलाफ प्रयागराज में केस दर्ज, मकान जमीन का है विवाद। और एमपी का स्वास्थ्य विभाग हुआ बीमार, मरीज को जमीन पर घसीटा, किसी बड़े अधिकारी पर नहीं हुई कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में एक बड़ा हादसा हो गया है, यहां एक यात्री बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 19 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि इस घटना में 36 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 19 घायल हो गए हैं। यात्रियों से भरी एक मेटाडोर केशवान से किश्तवाड़ की तरफ आ रही थी, इसी दौरान वह बस गहरी खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खाई में गिरे लोगों को बचाने की कवायद में जुट गई। गंभीर हालत में निकाले गए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहुल गांधी कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से नाराज हैं, इसके बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया, जिसे राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया। लगभग 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद भी राहुल ने पार्टी में किसी की भी नहीं सुनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राहुल को पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत करा दिया है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चली। सभी मुख्यमंत्रियों ने राहुल से कहा कि हर कांग्रेस जन चाहता है कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहें, लेकिन इस बात को राहुल गांधी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। राहुल गांधी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी इस समय 2 मुख्यमंत्रियों के क्रियाकलापों से खासे नाराज हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने वर्तमान परिस्थितियों पर खुलकर बात की है, हमने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और हमने अपनी बात दिल से कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी उनकी बातों पर विचार करेंगे। इस्तीफे पेश कर तो आज क्या की जिस दिन चुनाव के परिणाम आए थे उस दिन से इस्तीफे पेश करी होती है। मुख्यमंत्रियों के लिए चुनी हुई सरकार होती है, उनको तो इस्तीफे रखना ही पड़ता है। वो चुनाव के अंदर हमेशा हाईकमांड फैसला करता है कि आगे हमें क्या फैसले करने हैं। पूरी वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी जी को अधिकृत कर दिया है, वो जो चाहें वो फैसला करें। अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी का जो संदेश है वह है चुनाव में मुद्दों पर राजनीति हो, नीतियों और कार्यक्रम पर बात हो। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ देशभक्ति के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमराह करते हैं, सेना के पीछे छिप के राजनीति करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है। इंदौर के खिलाफ टीम इंडिया की हार पर एक्सपर्ट्स ने जताई हैरानी और धोनी के खेल पर सवाल खड़े किए। इंग्लैंड के मैच में जिस तरह से भारत को हार का सामना करना पड़ा है उससे भारतीय टीम के खिलाड़ी निशाने पर आ गए। इंग्लैंड और भारत के बीच रविवार को हुए मैच पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट भी भारत की इस हार से हैरान नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड द्वारा भारत को दिए गए 338 रनों के टारगेट को जिस तरह से अंतिम ओवर में भारत के बल्लेबाजों ने चेस किया, उसके बाद इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इंग्लैंड के एक पूर्व फुटबॉलर गौरी लिनेकर ने भी इस मैच में भारत की हार पर बहुत हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बहुत ही अजीब तरीके से मैच का नतीजा निकला, आखिर में कुछ ओवर पहले तक बहुत शानदार मैच था। इस पूरे मैच को दौरान जिस तरह से अंतिम ओवर में भारत द्वारा हार का सामना किया गया उससे सभी को हैरानी हो रही है। उससे ज्यादा हैरानी टीम के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ सदस्य महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर भी हुई। उन्हें टीम इंडिया का सबसे बेहतर मैच फिनिशर माना जाता है, लेकिन अंतिम ओवर में जिस तरह से टीम इंडिया का रन रेट कम हुआ और आखिर में विकेट हाथ से
होने के बावजूद भी टीम में 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा उसने फैंस को चौंका दिया। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने ट्वीट कर कहा है कि अगर किसी टीम में भारत के विजय रथ को रोकने की क्षमता थी तो वो इंग्लैंड थी। धोनी की आखिरी ओवर में अप्रोच वफलिंग थी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी भारत की इस हार पर हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, ये बुरा है, क्या ऐसा नहीं है? भारतीय पारी के दौरान केवल एक छक्का लगा। सोशल मीडिया पर लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं और फिक्सिंग की आशंका जता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लाख दावे करे लेकिन बिजली कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली मंत्री से विधानसभा अध्यक्ष सभी के कार्यक्रमों में बिजली जाना आम बात हो गई है। सिवनी में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति एक सरकारी आयोजन में पहुंचे तो वहां बत्ती गुल हो गई। बिजली मंत्री के इंदौर में हुए कार्यक्रम में बत्ती गुल होने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में एक सरकारी कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। घटना सिवनी की है। यहां जिला अस्पताल में मैं भी अस्पताल मित्र योजना का शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे मौजूद थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ वैसे ही बत्ती गुल हो गई। इससे अस्पताल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में जनरेटर का इंतजाम किया गया, तब तक कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। एमपी के बड़े अफसर पर यूपी के प्रयागराज में मामला दर्ज किया गया है। खबर है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओएसडी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के आईएएस पति मनु श्रीवास्तव के खिलाफ मकान के विवाद में यह मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओएसडी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के आईएएस पति मनु श्रीवास्तव के खिलाफ प्रयागराज में मामला दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में यह केस दर्ज हुआ है। एक मकान के विवाद के चलते अशोक कुमार पांडे ने इस मुकदमे की एफआईआर लिखवाई थी। पांडे का आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते उन्हें धमकाया जा रहा है। प्रयागराज के अधिकारी हैं इसीलिए हाई प्रोफाइल मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मनु श्रीवास्तव के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई हैं। जॉर्ज टाउन में 452, 504, 506 का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर हुआ है जिसमें प्रज्ञा श्रीवास्तव के हस्बैंड पर दर्ज हुआ है। अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो कहीं पर अधिकारी हैं या नहीं है। कोर्ट के आदेश में भी इसका कहीं किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है वो किसी प्रकार के अधिकारी हैं या क्या है। इसमें अशोक पांडे ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें इन बातों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो किसी प्रकार के अधिकारी हैं या नहीं। ये मकान का विवाद बता रहे हैं दर्ज हुआ है। झांसी में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज से चांदमारी के बाद बचे बम के हिस्से को घर लाना एक शख्स को भारी पड़ गया। बम से पीतल निकालने के दौरान ऐसा धमाका हुआ कि शख्स को तो जान गंवानी ही पड़ी, उसकी बेटी और एक साल के मासूम की भी मौत हो गई। घटना शिवपुरी के मसूदा गांव की है। शाम जाटव बकरी चराने के दौरान सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में चला गया। वहां पड़े बम के बचे हिस्से को इस लालच में घर ले आया कि उससे पीतल बनाकर बेच देगा। जैसे ही घर में उन्होंने बम से पीतल निकालना शुरू किया उसी वक्त जोरदार धमाका हो गया जिससे मौके पर ही शाम उनकी बेटी सुखदेवी और एक साल के मासूम की मौत हो गई जबकि धमाके में एक शख्स घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गाँव पहुंची और उस मामले की जाँच कर दी है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। मकान को घर बनाना मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। आपके कुछ फैंस आपसे नाराज भी हैं, आप फिल्मों में करनी है। मैंने लिखे हैं दो गीत और बस बदकिस्मत ही अभी स्क्रीन पर नहीं आए हो। बड़ा उलट बांसी का खेल है ये प्यार। गीता में लिखा हुआ है आप जीवन में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देकर जरूर जाएगा। डॉक्टरी करते करते भी कभी कविता सूझ जाती है क्या? डॉक्टरी में बस शरीर का इलाज होता है, कविता में मन का इलाज। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए।
कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ लब खामोश हो जाते हैं वहाँ इशारे काम करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर से अमानवीयता की हद पार करने वाली खबर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में अस्पताल कर्मचारी ने स्ट्रेचर न मिलने पर मरीज को फर्श पर ही घसीटकर एक्सरे जांच कक्ष तक पहुंचाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, अन्य की सेवाएं समाप्ति के आदेश भी जारी कर दिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। यह दृश्य आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सरकारी तंत्र की सच्चाई दिखाने के लिए इसको दिखाया जाना बेहद जरूरी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीमार स्वास्थ्य महकमे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा है। अस्पताल प्रबंधन CCTV फुटेज खंगाल रहा है ताकि पता लग सके कि ये घटना कब की है। अस्पताल प्रशासन उस मरीज का पता नहीं लगा पाया है जिसे फर्श पर घसीटा गया। घटना की जांच के लिए डीन के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कुल मिलाकर हमेशा की तरह ऐसी घटनाओं की लीपापोती की जा रही है। चादर पर रखकर मरीज को घसीटने संबंधी 26 सेकंड के वीडियो में कर्मचारी चादर पकड़कर आगे तथा एक महिला पीछे चल रही है। OPD से जिस कक्ष तक मरीज को पहुंचाया गया वहां सोनोग्राफी तथा एक्सरे जांच होती है। अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि मरीज को चादर पर रखकर घसीटने के मामले में डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने सुरक्षा प्रभारी विकास नायडू, वार्ड बॉय प्रभारी अमित दुबे, फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव राजीव कश्यप को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो मामले की जांच के लिए डीन ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में प्रोफेसर के दरियानी, डॉक्टर अनुपम राय, डॉक्टर प्रशांत पुणेकर को शामिल किया गया है। अस्पताल प्रबंधन इतना निकम्मा है कि वो यह नहीं बता पा रहा कि घसीटे गए मरीज का क्या हुआ और अब वो कहाँ है। हर महीने की 1 तारीख को भोपाल में होने वाला वंदे मातरम गायन मंत्रालय उद्यान में हुआ। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर PC शर्मा ने कहा कि हम सब की मांग है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हर महीने की 1 तारीख को होने वाले वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान मंत्रालय स्थित पार्क में किया गया। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहा कि सभी की राय है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहें, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, सभी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंत्री PC शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा। जो भी अध्यक्ष पद पर होगा वो युवा और पार्टी को बढ़ाने का कार्य करेगा। नीचे करो, नीचे करो, साथ में नीचे करो। आज 1 जुलाई है, जुलाई का 1 दिन है और बधाई और शुभकामनाएं सभी को। ये मेला बरसात का मेला है, तो ये शुभ हो, अच्छी बरसात हो, और जब अच्छी बरसात होगी तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी प्रमोद भाई आईडी बाहर निकालो। ये वो अध्यक्ष बने रहे, ये हम लोगों सब की काम है और ये मांग। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की आपने बात की तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर ली है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा हाईकमांड,
मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये सब तय करेंगे कौन अध्यक्ष होगा। जो भी अध्यक्ष होगा वो बहुत बेहतरीन अध्यक्ष होगा। दूसरी जाति के लड़के के साथ भागने पर भाई और रिश्तेदारों ने एक युवती को डंडों से पीटा और घटना का वीडियो भी बनाया। 3 दिन तक वीडियो वायरल हुआ लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के पास वीडियो पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा। इस पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। यह घटना धार के बाग की है। पिटाई का 1 मिनट 33 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक व्यक्ति युवती को पकड़ कर रखता है और भाई व रिश्तेदार उसे पीटते हैं। वीडियो में अन्य लोग भी दिख रहे हैं लेकिन वे इसे बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। 15 दिन पहले यह युवती एक लड़के के साथ चली गई थी। पुलिस ने युवती को तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया था लेकिन युवती जिद कर रही थी कि वह उसी लड़के के साथ शादी करेगी। गुस्से में परिवार वाले उसे पिकअप में बिठा कर लाए और खेत पर ले जाकर पीटा। बताया जा रहा है कि जिस दिन युवती की पिटाई की गई थी उसी दिन परिवार वालों ने जबरदस्ती अलीराजपुर के उदयगढ़ में युवती की शादी भी कर दी थी। पुलिस ने अलीराजपुर में भी एक टीम युवती को ढूंढने के लिए भेजी लेकिन युवती का पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई में देरी नहीं हुई है, वीडियो देखने के बाद तस्दीक करना होता है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शेष के लिए गाँव में 4-5 बार दबिश दी गई है। पुलिस ने बताया है कि 25 जून को शाम करीब 4 बजे खेत पर युवती की पिटाई का वीडियो बनाया गया था जबकि 28 जून की रात में 9 बजे वीडियो वायरल हुआ है। गांव की लड़की सुनीता डॉटर ऑफ जटिल बिलाला उम्र करीबन 21 साल की, उसको उसका काका प्रत्या है। वो प्रत्या उसके किसी पिकअप चला था, वो पिकअप में बैठा रखी थी। वो पिकअप में से उसने हाथ पकड़ के उतारा नीचे और उसके साथ में उससे पूछा था कि बोले तू हरिजन समाज के लड़के के साथ में भाग गई थी तो तेरी शादी हम लोग हमारा भील समाज में बिलाला समाज में कर देते हैं। उस लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया तो इन लड़कों ने वहाँ पे खेत पे ले जाके इनके साथ में लाल घूसों से और लकड़ियाँ गीली लकड़ियाँ तोड़ के और लट से उसके साथ में मारपीट करी और जहाँ प्राण घातक तो हमला करा उसके ऊपर। और वहाँ पे मौके पे 2-3 लोगों ने वहाँ पे एक गाँव का पटेल केशर सिंह मदन और प्रदीप ने बीच बचाव किया और नहीं बिछा पता था उसको मार सकते थे ये और वहाँ पे इन्होंने वीडियो भी बना लिया था लड़के ने। इस पे मोहन ये वहाँ के गांव के पटेल केसर सिंह की रिपोर्ट पर से हम लोगों ने गांव का तुम्हारा उसका लड़की का काका प्रत्या, उसका भाई महेश, उसका भाई दूसरा सरदार डोंगर सिंह, किला और कैलाश, दिलीप, गणपत 7 लोगों के खिलाफ हमने मारपीट 323, 294, 506, 147, 348, 307, 354 का मुकदमा कायम करा है। जबलपुर में भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर को 17 लाख का चूना लगाने वाले 4 शातिर जालसाजों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने बैंक का ग्राहक बनकर फोन के जरिए बैंक मैनेजर के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। शातिर ठगों ने भारतीय स्टेट बैंक माधोताल में मैनेजर अनुज कुमार को रॉबिन खटवानी बनकर मोबाइल के जरिए झांसा देकर 19 जून को 8 लाख रुपए और 20 जून को 8,70,000 का भुगतान बिना चेक दिए कर लिया। जब अनुज कुमार ने चेक के संबंध में पड़ताल की तो पता चला कि असली रॉबिन खटवानी ने तो अनुज से संपर्क किया ही नहीं है और रुपए निकलवाए ही नहीं है, जिसके बाद ठगी का शिकार हुए अनुज ने पुलिस की शरण लेकर घटनाक्रम की जानकारी दी। जो खटवानी मोटर्स से जो डॉस दे के पैसे ट्रांसफर करा लिए थे उसमें हमने साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मोहम्मद मुशर्रफ और गयूर मोहम्मद, तनवीर और वाजिद, ये 4 पकड़े गए हैं। इनमें जो सबसे मेन आरोपी मुख्य मास्टरमाइंड है उसका नाम है विकास सिंह, ये अभी पकड़ा नहीं गया, अभी हमारी पकड़ से बाहर है। बहुत जल्दी हमारी टीमें सक्रिय हैं और जैसे इनपुट मिलती है तो इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग दबिश देंगे। ये 8-8 लाख रुपए करके 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी थी टोटल और इन्होंने डॉस दे के, तो हम लोकल लिंक्स का भी पता कर रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था बैंक मैनेजर को उसने एक तो मिमिक्री भी की थी तो बैंक मैनेजर समझ नहीं पाए कि खटवानी साहब बोल रहे हैं
और उसका जो अंदाज था बात करने का, आवाज़ जो थी वो भी ऐसी थी। तो निश्चित तौर पे इसमें लोकल लिंक्स भी इन्वॉल्व है, तो और उस लोकल लिंक्स के संबंध में हमारे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जैसे पता चलता है तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मोबाइल को अब ट्रेस किया तो ठगों की लोकेशन गाजियाबाद की मिली है, जिसके बाद तत्काल PSI राजेश बरेला व नेतृत्व में एक टीम को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद भेज दिया गया है, जहां गाजियाबाद पुलिस की सहायता से मोहम्मद मुशर्रफ गोयूर, मोहम्मद तनवीर और वाजिद को दबोच कर पूछताछ की जानी लगी है। धोखाधड़ी को कबूल करते हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बची हुई रकम भी बरामद कर ली है। इंदौर के सुपर कॉरिडोर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब चलती कार अचानक जलना शुरू हो गई। स्विफ्ट कार में आग लगते ही जैसे तैसे ड्राइवर कार से उतरकर भागा और अपनी जान बचा पाई। दोपहर में इंदौर के सुपर कॉरिडोर में चलती हुई स्विफ्ट कार में आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और उसमें बैठे शख्स जान बचाकर भागा। कुछ मिनटों के भीतर ही पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से कार में लगी आग पर काबू पाया। फिलहाल कार में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। रीवा में इन दिनों चड्डी गिरोह चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। चड्डी गिरोह की चोरी करने की एक वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, मगर पुलिस प्रशासन अब भी मामले पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पडरा नई बस्ती में इस समय चड्डी पहनकर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि चड्डी गिरोह इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। गिरोह के चोरी करने की एक वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल नई बस्ती निवासी कौशलेंद्र सिंह तिवारी के घर में बीती रात इस गिरोह ने एक सदस्य ने धावा बोल दिया था, जो कि घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद जानकारी लगते ही मामले की जानकारी सिविल लाइन थाना को दी गई। घटना जब रात को घटना हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ, जब हम सुबह सुबह उठे तो हमारी एक खिड़की खुली हुई थी, तो उस खुली हुई खिड़की के बाद मैंने ये सोचा कि लगता है कि कोई ना कोई इस रात के अंदर हमारे यहाँ प्रवेश किया है, और चूँकि हम कैमरा लगा रखे हैं गेटों के पास, उसके द्वारा से मैं TV में देखा हूँ कि एक व्यक्ति चड्डी पहने हुए और सिर को ढके हुए बांधे हुए हमारे पूरे मकान के अंदर घुसकर और चारों राउंड लगा रहा था। उसको देखकर ये पता लगा कि वो इस प्रयास में था कि मैं किस तरह से अंदर हो जाऊं और माने चोरी करने का प्रयास करूं, किंतु उसको सफलता नहीं मिल पाई और रात ही वो वापस चला गया। पहले भी यह गिरोह शहर में बड़ी तेजी से वारदात को अंजाम देता था। एक बार फिर इस गिरोह के सक्रिय होने से चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं और घटनाएं होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले पर जब नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि अगर वास्तविकता में ऐसा कोई गिरोह शहर में सक्रिय है तो उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे अभी रीवा शहर में फिलहाल चड्डी गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मुझे मिली नहीं। अच्छा, अगर कोई हो तो मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई घटना आई नहीं है, लेकिन अगर आपको सूचना मिली है तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा, और ऐसा कोई गिरोह सक्रिय होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा गिरोह कोई वारदात न करने पाए, उसको पहले ही पकड़ लें। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी ने सिंधु के अंतिम सम्राट महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सिंधी संगीत सभा का आयोजन किया। इसमें गायिका निशा चिलानी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। संत हिरदाराम नगर के नंदवानी ऑडिटोरियम में सिंधी गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जाने माने गायक एवं सिंधी व हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अदाकार रह चुके मास्टर चंद्र के सुपुत्र महेश चंद्र के अलावा इंदौर की ख्याति प्राप्त युवा गायिका निशा चेलानी नए गीतों का समा बांधा। कार्यक्रम में इस अवसर पर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग पंकज राग, सिंधी साहित्य अकादमी के निदेशक HR अहिरवार, पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष साबू रिजवानी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। भजन गायिका निशा चेलानी ने बताया कि हमें अपनी मातृभाषा को जीवित रखना है और अपने बच्चों से सिंधी में बात करनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि हर घर कोई सिंधी गाने सुने और
आजकल हिंदी गाने बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं, आजकल की न्यू जनरेशन हिंदी गानों की तरफ ध्यान दे रही है, तो हमारा सिर्फ यही फोटो है कि हम लोग हिंदी गाएं, हम उसी तरफ जाएं और आगे बढ़ा सकें हमारे हिंदी को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है, मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है, मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने क्या तेल का मचाया है, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग, और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रही हूँ ये संभाल के रखो पानी को, वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे बेल्लूर थे ना टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ये थी तो हालत हो जाती है बता रहे हूँ, पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है बता रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं बता रहा हूँ, और हमले तो बढ़ेंगे ही भैया जब पानी कम हो जाएगा, बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल गया है। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है बता रहा हूँ, अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है बता रहे हूँ, ये सब भुनभुरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना वही स्थिति बन रही है बता रहे हूँ, मैंने समझा लो इनको पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए बताओ, वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद काद के भाग गए, मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है बता रहे हूँ, ये तो चल रहा है दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी, उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो रुक जाओ मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफर हो गया, ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, आप मॉल जा रहे हो सुपर स्टोर जा रहे हो स्कूल जा रहे हो चर्च जा रहे हो वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे और उसमें अपना वोट डाल दो, ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए बता रहा हूँ, यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई क्रिकेट मैच में, भाई नेक टू नेक ऐसा भद गया पसीने छोड़ गए इनके जीतने में बता रही हूँ, हल्के में मत लो भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कप चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं इनको भी हल्के में मत लेना बता रही हूँ, और अभी विराट कोहली का फोन आ रही है हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो ये नमस्कार मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।